इतनी सारी शॉपिंग, क्या क्या ली हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ मैं कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? ये बिल्कुल ठीक है, खुश है, मजे में, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। तो ये देखिए, हमने खरीदे हैं काफ़ी सारे शूज, सैंडल, और ये शॉपिंग हुई है इनके लिए, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए से हुई है और नायमा के लिए से। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले नायमा की क्यूट सी, ये देख रहे हैं, जूतियाँ हैं जो कि नायमा को इतनी ज़्यादा पसंद, लेने उसके लिए नहीं गए थे इन लोग, इनके लिए से गए थे, बट उसे इतनी ज़्यादा पसंद, उसे चाहिए था थोड़ा चमकीली वाली, चमकने वाली, प्रिंसेस जो होती ना, उसे पिंक कलर चाहिए था, इसमें पिंक कलर नहीं था, तो उसने ये वाली चमकीली लिए, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो ऐसे दिन में कई बार पहन के घूमती रहती घर में, इतना ज़्यादा उसे पसंद आई है ये सैंडल, सॉरी जूतियाँ। तो उसके लिए ये ले लिए थे। और ये देखिए, ये नज्जू के लिए से लिए हैं, वो कभी अपने लिए ज़्यादा सामान नहीं लेते ना कोई भी चीज़ें, उनकी सैंडल भी इतनी ज़्यादा वो हो गई थी ख़राब, स्पार्क्स के लिए हैं तो ख़राब हो गई थी, तब मैंने बहुत बार बार बोली हूँ, तब कहीं ये सारी चीज़ें मेरे जिद पे आई हैं, बोलने पे आई हैं, नहीं तो वो अपने ऊपर एक रुपये भी ना खर्च करें, इतना मतलब खुद के लिए और हम लोग के लिए बिना बोले सब कुछ दे देते हैं हाजिर। तो देखिए ये सैंडल है, बहुत प्यारी खूबसूरत लग रही थी, ग्रे कलर में है और नीचे अंदर लाइट ग्रे है, डार्क ग्रे जो होता है ऊपर है, लाइट ग्रे नीचे लगा हुआ है, बहुत अच्छी लग रही है पहनने पे, और ब्रांडेड है, बहुत टाइम चलती, इससे पहले वो भी ब्रांडेड है, इसी कंपनी की है, बट होता है ना कि ज़्यादा टाइम हो जाते हैं तो वो लुक चला जाता है, इसलिए मैंने इतनी सारी इनके सैंडल जूते एक बार में दिलवाई हूँ। एक बार में लेने में काफ़ी कॉस्टली पड़ी हैं, क्योंकि हम जाते हैं मार्केट तो एक एक चीज़ें लेते हैं, सैंडल खराब हो गए, सैंडल जूते खराब हो गए तो जूते ले लो, अभी एक साथ लिए हैं तो काफ़ी कॉस्टली गया है और इनको बहुत वो लग रहा था, पर मैंने समझा कि नहीं, मतलब लेते नहीं हैं और एक हट्टा सब कुछ अगर गए हैं और मिल गया है तो क्या बात है, पसंद भी तो आना चाहिए, मुझे पसंद नहीं आता, कितनी सारी शॉप इनको लेके जाती हूँ। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतने क्यूट, इतने प्यारे हैं कि एक नज़र में पसंद आए, मुझे इस टाइप के शूज़ बहुत पसंद है, ये प्योर लेदर के हैं, ये बहुत कॉस्टली होते हैं, इनका प्राइस मैं आप लोग को बता रही हूँ 2000-3000 रहता है, इससे नीचे आपको लेदर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ब्रांडेड 3000 के ऊपर मिलेगा, ये भी वही रेट में गया है और इसका लुक इतना खूबसूरत लग रहा था मुझे और इस टाइप के बहुत पसंद है, तो इन्होंने भी देखे, मतलब इनको भी बहुत पसंद आई, ये बोल रहे थे कि मतलब जैसे मैं ड्यूटी वगैरह ले जाऊंगा तो ख़राब हो जाएंगे, तो चीज़ें होती हैं, इस्तेमाल करो फिर नेक्स्ट, ख़राब होती है तो न्यू लेना, लेकिन ये होता है ना, शौक भी हो जाता है, यूज़ भी कि अपन को पता चल जाएगा ब्रांड का कि क्या है, ब्राविया का है शायद, ब्राव का है, तो ये प्योर लेदर है, मुझे पता है, ये बहुत अच्छे शूज़ हैं और जब इन्होंने पहने थे इतने प्यारे लग रहे थे लुक में, होता है ना कि हम पहने तो पसंद भी आना चाहिए। और एक जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये पार्टी वेयर, इतना सुंदर, अभी न्यू लॉन्च हुए हैं, न्यू लुक में है, तो अभी तक इन्होंने इस टाइप के पहने नहीं थे, पार्टी के लिए हम नॉर्मली जो सब लोग लेते हैं उसी टाइप से चमकीले वाले लेते, यानी साइन करने वाले लेते थे ब्लैक कलर के, इस बार देखिए कितने खूबसूरत लग रहा है, ये भी हमारी मतलब हमने इस शूज़ को भी एक नज़र में पसंद किए हैं और ये शूज़ हैं पार्टी वेयर ओनली, हम पार्टी में जा सकते हैं इसको पहन के। और ये जो ऊपर पता नहीं वो बता रहे थे शॉप वाले भैया की कोई कपड़ा बोलते हैं जो लगा हुआ है, और ये जो कपड़ा है मैं एक बात बता दूं, ये डस्ट बिल्कुल नहीं खींचेगा, डस्ट बाहर फेंकेगा, ऐसा लग रहा देख के बिल्कुल नहीं, और इतना ब्रांडेड कंपनी का है ये, इतना अच्छा, और इन्होंने जब पहने थे एक अलग ही लुक आ रहा था यार, वो होता है ना कि मतलब जो न्यू कमर्स लड़के होते हैं और जब उन लोग जैसे कोई सॉन्ग वगैरह बनाते हैं और उसमें एकदम कलरफुल कपड़े पहन के और प्यारे प्यारे शूज़ पहन के और अपना सॉन्ग करते हैं, उसी तरीके से ये मतलब शूज़ इतने प्यारे लग रहे थे, सुंदर था इनकी, और जब इन्होंने भी पहने तो बहुत प्यारा, ऐसा नहीं कि पहनने पर लुक नहीं दे रहा, पहनने पर भी उतना ही खूबसूरत, उतना ही ज़्यादा लुक दे रहे थे, तो हम लोग ने और बहुत टाइम बाद हम लोग को एक शॉप मिल गई इतनी अच्छी कि वहाँ सारे शूज़ हैं कि मतलब हमारे भी इतने अच्छे अच्छे ब्रांड में थे कि ऐसा लग रहा था क्या नहीं क्या ले लो। तो देखिए नज्जू के इतने सारे शूज़ और सैंडल और ये सब की
तो नॉर्मली मतलब अलग अलग लेते हैं, तभी हमने इकट्ठा ले ली। काफ़ी कॉस्टली गया, बट ये हमेशा अपने बारे में नहीं सोचते हैं, मुझे सोचना पड़ता है इनके बारे में, और हम जिस चीज़ में हाथ रखते हैं वो हमारे लिए हमेशा हाजिर हो जाती है। इसलिए इस बार मैंने कही कि नहीं, जो जो पसंद आ रहा है सब ले लो, सब ले लो। बहुत खुशी हुई। ये देखिए, अब ये जा रहे थे ड्यूटी तो शूज़ पहन के फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो इस तरीके से। और ये यूनिफॉर्म के जो कपड़े हैं वो भी न्यू लिए हैं। ये जो पैंट आप लोग देख रहे हैं वहाँ, हम लोग वैसे लेने यूनिफॉर्म के कपड़े ही गए थे, यूनिफॉर्म के कपड़े लिए इन्होंने। उसके बाद हम लोग शूज़ की शॉप के चले गए, क्योंकि इस एनिवर्सरी आई थी, उस समय भी मैं गिफ्ट करना चाह रही थी शूज़ वगैरह। इससे पहले भी जो शूज़ पहनते थे वो मैंने गिफ्ट की थी, बट पसंद नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने कहीं पसंद नहीं आ रहे तो लेना नहीं चाहिए, तो मैंने नहीं ले पाई। फिर ये जो अभी गए हैं हम लोग ने इस तरीके से फिर लिए, और ये ड्यूटी जा रहे थे, रेडी हो रहे थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम मौका है। और इस तरीके से फिर इनका वीडियो वगैरह मैं नहीं बना पाती हूँ, ड्यूटी जाते बहुत बिजी रहती हूँ, सारा कुछ अरेंज करना होता है। और ये देखिए, इतने प्यार से सबसे हग करके मिल के जाते हैं। पहले तुम नायमा, चलो ठीक है भाई। आज शीरी ने सुबह उठते ही 2 पॉइंट कमाई है, कैसे? और वो गवाते हो गवाते बची है, क्योंकि आज उसकी शहद जैसी गाड़ी घड़ी आवाज आने चालू हुई थी मुझे। अच्छा, पहले वहाँ से वो बोल रही मेरी सैंडल दिखा दो, थोड़ा थोड़ा। ड्यूटी जाने से पहले अक्सर इसी तरीके से ये हम लोग को हग वगैरह करते हैं, हम लोग अच्छे से मिल मतलब हमारा मतलब जरूरी नहीं कि डेली हो, लेकिन हाँ फिर भी इस तरीके से अच्छा लगता है कि बाय करके मिल के अल्लाह हाफिज़ करके बच्चों को प्यार करके ज़रूर जाते हैं हमेशा ये। और ये जो शॉप थी हम लोग गए थे शूज़ वाली, वही शॉप न्यू शॉप खुली, और आप लोग देख सकते हैं पीछे इतनी प्यारी लोकेशन थी। और जो वीडियो में मैंने इनका भी बनाई हूँ उसमें TV चल रही थी, शीरिन TV देख रही थी, उसका मतलब उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है, TV की ओरिजिनल नहीं आ पा रही थी उसमें, तो वो TV चल रहा था, उसमें भी किसी का व्लॉग वगैरह चल रहा था। तो ये देखिए, शूज़ की शॉप थी, तो हम लोग वो गए थे वहाँ, तो वहाँ मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी शूज़ की शॉप में, क्योंकि हर जगह अलाउ नहीं होता। तो यहाँ नायमा और मैं अब टाइम पास क्या करें, तो हम लोग मस्ती कर रहे थे, खूब सारी पिक्चर्स वगैरह लिए, क्योंकि वो शॉप इतनी खूबसूरत लग रही थी। ये देखिए आप, इस तरीके से डिज़ाइन, नायमा को ये डिज़ाइन इतनी पसंद आई कि वो बोलती बस यहीं खड़े रहूँगी, मम्मी मेरी पिक लेते रहो। तो वहाँ खड़ी हो गई मैडम और उनकी पिक ली। और इस तरीके से जो सारे शूज़ वगैरह हैं और सैंडल, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, बहुत अच्छे लगे हैं। और इस बार थोड़े हमने अलग हट के लिए हैं, अक्सर हम लोग नॉर्मली लेते हैं जो हमेशा हर कोई ख़रीदता है, इस बार थोड़ा सा चेंज करके लिए हैं। सैंडल तो एक ही डिज़ाइन, सैंडल की कोई डिज़ाइन नहीं होती, यही होती। सो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।